तो अगर प्यारे बच्चों इस वाले को देखोगे, इस वाले सवाल को, तो ये एक बेसिकली बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये कहते हैं साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज द न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज होगा। साइज मतलब क्या होता है, जैसे किलोमीटर बड़ा होता है ना मीटर से यार, तो जैसे मैं 5 किलोमीटर लिखा हूँ तो मैं इसको 5, और अगर मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतना मीटर भी लिख सकता हूँ, और 5 और 10 10 और मीटर और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतना मैं सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। समझ में आया? तो ये जो किलोमीटर होता है वो मीटर से बड़ा होता है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ा रहे हो, किलोमीटर देख रहे हो नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ से तुम देखोगे तो यूनिट की साइज बढ़ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट रहा है। किलोमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर उससे भी छोटा होता है, तो ऊपर से नीचे आओगे तो यूनिट की साइज कम हो रही है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वाली जो चीज़ है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू वो बढ़ रही है। अगर यूनिट की साइज छोटी हो रही है सेंटीमीटर, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है। देख रहे हो ये वाली वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो यूनिट की साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज हो रही है। मतलब बी ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय।